नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला के नए एसपी के नामों पर चर्चा शुरू। अश्ववर्गीय प्राणियों पर ग्लाइडर रोग का प्रादुर्भाव। महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्ज मुक्ति की सूची घोषित। इकतीस मार्च तक नागपुर भुसावल पैसेंजर निरस्त। जिला महिला अस्पताल में पीने का पानी उपलब्ध नहीं। अब समाचार विस्तार से। अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक अमोघ गावकर का तबादला आनंद फानंद में किया गया है। उनकी जगह पर नए पुलिस अधीक्षक के लिए तीन नामों की चर्चा चल रही है। ये तीनों पुलिस अधिकारी इससे पहले अकोला में अपनी सेवा दे चुके हैं। अकोला से लापता किशोरी, युवतियों एवं महिलाओं को तलाशने में नाकाम रही पुलिस तथा शिकायतकर्ता से अपमानजनक बर्ताव किए जाने का मुद्दा विधानसभा में गूंजा था, जिसके बाद गृह मंत्री ने जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक अमोघ गावकर का आनंद फानंद में तबादला किए जाने की घोषणा की। विधानसभा में हुए इस फैसले के कारण पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस अधीक्षक अमोघ गावकर के तबादले के बाद अकोला में नए पुलिस अधीक्षक के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसके अनुसार अकोला में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में 2005 से 2008 तक डीवाईएसपी तथा अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवा अकोला में दे चुके नितिन पवार, उसी प्रकार अकोला में पुलिस उप अधीक्षक रह चुके डॉक्टर प्रवीण मुंडे और अपर पुलिस अधीक्षक रह चुके निकेश खाटमोड़े पाटिल के नाम चल रहे हैं। यह तीनों अधिकारी यदि संभव नहीं हो पाए तो अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में नागपुर आयुक्तालय के उपायुक्त दर्जे के अधिकारी डीसीपी नीलोत्पल अथवा निर्मला देवी आ सकती है। इस प्रकार की चर्चा चल रही है। राज्य भर में अश्ववर्गीय प्राणियों में ग्लैडर नाम रोग का प्रादुर्भाव हो रहा है। इस रोग से ग्रसित एक घोड़े को दया मरण दिया गया। इसे लेकर अश्ववर्गीय प्राणियों के मालिक जिला पशु संवर्धन विभाग से संपर्क करें, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। वर्तमान समय में राज्य भर में घोड़ों पर ग्लाइडर नाम का रोग का प्रादुर्भाव होने की घटना सामने आ रही है। इस रोग से ग्रस्त एक घोड़े को अकोला के कलम्बेश्वर में दया मरण दिया गया। घोड़ों में फैलने वाले इस रोग का प्रादुर्भाव राज्य भर में फैल रहा है। हाल ही में अकोला के कलम्बेश्वर में इस रोग से ग्रसित एक घोड़े को दया मरण दिया गया है। यह रोग जानवरों से मनुष्य तक फैलने का भय होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए घोड़ों की जांच कर राष्ट्रीय अश्व संशोधन केंद्र में इसके नमूने भेजे जाते हैं, जो पॉजिटिव आने के बाद उस घोड़े अथवा अश्ववर्गीय प्राणी को दया मरण दी जाती है। अकोला जिले के घोड़ों की जांच शुरू की गई है। जो अश्ववर्गीय प्राणी है उनमें यह बीमारी फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे देखते हुए अकोला के घोड़े अथवा अश्ववर्गीय प्राणियों के मालिकों को पशु संवर्धन विभाग ने आह्वान किया है कि वह पशु संवर्धन विभाग को अपना सहयोग प्रदान करे। इस प्रकार का आह्वान प्रभारी जिला पशु संवर्धन उपायुक्त डॉक्टर तुषार बावने ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया है। सध्या घोड्यांवर एक ग्लैंडर म्हणून जो बैक्टेरियल आजार है त्याचा प्रादुर्भाव झाल्याचे इन्सिडेंट्स महाराष्ट्रामध्ये झालेले आहे। त्याच्यामध्ये अकोला जिल्ह्यामध्ये सुद्धा एक घोडा ग्लैंडर रोगासाठी पॉझिटिव्ह आढळलेला आहे। आणि ग्लैंडर हा एक झुनोटिक आजार आहे। झुनोटिक आजार म्हणजे तो प्राण्यांपासून माणसामध्ये पसरण्याची शक्यता असते, तर तशा प्रकारचा हा ग्लैंडर्स आजार आहे। अकोल्यामध्ये कळमेश्वरमध्ये एका घोड्यांमध्ये हा आजार आढळून आला होता। त्याच्याबद्दलचे जे आम्ही सॅम्पल पाठवले होते हिस्सारला राष्ट्रीय अश्व संशोधन केंद्राला, तिथून तो सॅम्पल त्या घोड्याचं पॉझिटिव्ह आला। आम्ही तीन वेळा त्या घोड्याचं सॅम्पल घेतलं, तर तिन्ही वेळा ते पॉझिटिव्ह आलं। त्यानंतर त्या घोड्यापासून इतर जनावरांना किंवा माणसामध्ये तो आजार पसरावा नाही म्हणून त्या घोड्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात आलेली आहे। आता माझं सर्व पशुपालकांना असं आव्हान राहील की आपल्या अश्ववर्गीय प्राण्यामध्ये घोडे, गाढव, खेचर हे तिन्ही प्राणी येतात, तर ह्या प्राण्यांमध्ये
ग्लँडर्स रोग होण्याची आता शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे जे काही घोडे किंवा गाढव आपले आहेत तर पशुसंवर्धन विभाग त्या सर्वांचं रक्तजल नमुने किंवा रक्त तपासणी करणार आहे. माझं सर्व अश्ववर्गीय प्राणीपालकांना आव्हान राहील की त्यांनी आपल्या घोड्याचं किंवा गाढवाचं रक्तजल नमुना पशुसंवर्धन विभागात देण्यास सहकार्य करावे. महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के पात्र जिले के किसानों की सूची शासन के पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिसकी जानकारी किसान ले. इस प्रकार का आवाहन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है. महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्जमुक्ति योजना में पात्र जिले के किसानों में दूसरे चरण में जिले के 853 गांव के 85,813 किसानों के गांव निहाय सूचियां शनिवार 29 फरवरी को प्रसिद्ध की गई. इन सूची के अनुसार किसानों के जांच और बैंक खाते व आधार क्रमांक प्रमाणीकरण का काम शुरू किया गया है. अकोला जिले में 1,12,379 किसान कर्ज मुक्त योजना के पात्र रहे, जिसमें से बैंक खाते आधार क्रमांक से लिंक किए गए 1,11,079 किसानों की सूचियां शासन के पोर्टल पर अपलोड की गई है. नागपुर वर्धा सेक्शन में रेलवे विभाग द्वारा तकनीकी काम किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए 31 मार्च तक भुसावल नागपुर तथा नागपुर भुसावल पैसेंजर गाड़ियों की सेवा निरस्त की गई है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नागपुर रेलवे विभाग की ओर से नागपुर वर्धा सेक्शन में तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं, जिस कारण नागपुर भुसावल पैसेंजर को 29 फरवरी से 31 मार्च तक निरस्त रखा जा रहा है. मध्य रेलवे के भुसावल मंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रैक मेंटेनेंस, स्टेशन मेंटेनेंस आदि तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए नागपुर भुसावल पैसेंजर गाड़ी 31 मार्च तक नहीं चलाई जाएगी. इस दौरान समेत अन्य तकनीकी कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव किया गया है. नागपुर भुसावल पैसेंजर निरस्त किए जाने के कारण छोटे गांव में जाने के लिए इस ट्रेन का सहारा लेने वाले यात्रियों को परेशानी बढ़ गई है. इस बदलाव के चलते अकोला से होकर चलने वाली नागपुर से भुसावल पैसेंजर तो 31 मार्च तक निरस्त किया गया है, वही भुसावल नागपुर पैसेंजर भी 31 मार्च तक नहीं दौड़ेगी, जिसका खामियाजा ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा. अकोला जिले के जिला महिला अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत निर्माण हो गई है, जिसके कारण महिला रोगी व उनके परिजनों को पानी के लिए दर बदर भटकने की नौबत आ गई है. अकोला के जिला महिला अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत निर्माण हो गई है, जिसके कारण महिला रोगी व उनके परिजनों को पीने के पानी के लिए दर बदर भटकने की नौबत आ गई है. अकोला के जिला महिला अस्पताल में अकोला शहर सहित जिले की महिलाएं रोगी अपने परिजनों के साथ बड़ी तादाद में आती है, जिन्हें रोजाना पानी पीने की आवश्यकता होती है, परंतु जिला महिला अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण परिजन पानी की बोतल लेकर इधर उधर भटकते नजर आते हैं. पीने के पानी की कमी को देखते हुए कुछ अवसरवादियों ने पीने के पानी का व्यवसाय जिला महिला अस्पताल के बाहर शुरू किया है. यह लोग पानी की कैन रख कर 5 से 10 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से पानी बेच रहे हैं. पीने के पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रोजाना जमकर कमाई की जा रही है. अब ग्रीष्मकाल आरंभ हो गया है, भीषण गर्मी में सबसे अधिक आवश्यकता पीने के पानी की होती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला महिला अस्पताल के वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पीने के पानी की समस्या हल करें, इस प्रकार की मांग की जा रही है. अकोला की मोरा नदी में जलकुंभी ने अपना एकाधिकार जमा लिया है, जिसके कारण मच्छरों की पैदाश आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है, जिसका खामियाजा लाखों नागरिकों को रात भर जाग कर भुगतना पड़ रहा है. अकोला शहर को दो भागों में विभाजित कर बहने वाली मोरना नदी में फिर से जलकुंभी ने अपना एकाधिकार जमाना शुरू किया है, जिसके कारण नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को मच्छरों का सामना करना पड़ रहा है. जलकुंभी यह मच्छरों की पैदाइश के लिए पोषक है, जिसके कारण बड़ी तादाद में मच्छरों की पैदाइश हो रही है, जो नदी किनारे रहने वाले है 24 घंटे परेशान कर रही है. महानगर पालिका ने कई बार जलकुंभी को साफ करने का ठेका दिया है, ठेकेदारों के बिल निकले, लेकिन जलकुंभी अभी तक साफ नहीं हो पाई है. तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांड्या ने मोरना नदी को साफ करने का अभियान शुरू किया था, जो कुछ समय बाद बंद पड़ गया. अब फिर से मोरना नदी में जलकुंभी की हरी चादर निर्माण हो गई है. ग्रीष्मकाल आरंभ हो गया है, ऐसे समय मच्छरों की पैदाइश काफी बढ़ जाती है, जिसके लिए जलकुंभी कारणीभूत है.
इस बात को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका शहरवासियों को मच्छरों से निजात दिलाए इस प्रकार की अपेक्षा शहर के लाखों नागरिक कर रहे हैं। अकोला के मुख्य बस स्थानक परिसर में बड़े प्रमाण में बड़े और चौड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस पर प्रकाश डालने के बाद इन गड्ढों को पाटने का काम एसटी महामंडल द्वारा शुरू किया गया है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। मुख्य बस स्थानक के भीतर जाने वाली सड़क और प्लेटफॉर्म के पास की सड़क उखड़ गई थी, जिसके कारण बारिश का पानी इन गड्ढों में इकट्ठा हो रहा था और बस स्थानक परिसर को तालाब का स्वरूप प्राप्त हो रहा था। इसके अलावा बस चालकों के साथ ही बस में सवार यात्रियों को बड़े और छोटे गड्ढों के कारण झटकों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ दिन पहले ही सिटी न्यूज द्वारा मुख्य बस स्थानक की समस्या पर प्रकाश डाला गया था, जिसकी गंभीरता से दखल एसटी महामंडल व्यवस्थापन द्वारा ली गई है, जिसके बाद मुख्य बस स्थानक परिसर के गड्ढों को पाटने का काम शुरू किया गया। यहां निर्माण गड्ढों को बुलडोजर और अन्य मशीनों की सहायता से मलबा भरकर सड़क को समतल किया जा रहा है, जिसके कारण बस चालकों के साथ यात्रियों को झटकों से निजात मिलेगी, जिसके लिए सिटी न्यूज का आभार माना जा रहा है। ग्रीष्मकाल आरंभ होते ही शहर में विभिन्न प्रकार के फलों की आवक शुरू हो गई है। जलगांव खानदेश परिसर से आ रहे पीले रंग के तरबूज सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहे हैं। ग्रीष्मकाल आरंभ हो गया है, अभी से गर्मी अपनी चमक दिखाने लगी है, जिसे देखते हुए अकोला में इस बार पीले रंग के तरबूज का आगमन हो गया है। पीले रंग के यह तरबूज जलगांव खानदेश धुलिया मालेगांव परिसर से आ रही है। खरबूज के आकार के पीले रंग के यह तरबूज 50 रुपए नग के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। स्वाद में मीठे यह तरबूज सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आमतौर पर तरबूज यह हरे रंग के होते हैं, जो भीतर से लाल होते हैं, परंतु पीले रंग के यह तरबूज भीतर से सफेद रंग के हैं, जो स्वाद में मीठे हैं। अपनी विशिष्ट रंगत के कारण लोगों ने इसकी खरीदारी शुरू की है। अंजनगांव तहसील में कपास की आवक तेज हो गई है, जिसे देखते हुए यह चौथा कपास खरीदी केंद्र शुरू किया गया है, परंतु यहां एक ही ग्रेडर होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल बारिश देर से शुरू होने के कारण अंजनगांव सुरजी तहसील में कपास की बुवाई इस साल बड़े प्रमाण में की गई, जिसके बाद व्यापारियों ने कपास के भाव कम करते हुए किसानों की लूट शुरू की थी, परंतु शासन ने समय पर दखल लेते हुए सरकारी कपास खरीदी केंद्र शुरू किया था, परंतु भारी प्रमाण में आवक को देखते हुए अंजनगांव सुरजी में चौथे कपास खरीदी केंद्र की शुरुआत JSQ जिनिंग फैक्ट्री में की गई। अंजनगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति में रोजाना 150 गाड़ियों की आवक शुरू है। एक दिन में एक ही निजी कपास प्रक्रिया केंद्र पर खरीदी होने के कारण कपास उत्पादक किसान को 2-3 दिन का समय लग रहा था। कपास की भारी आवक को देखते हुए अंजनगांव सुरजी में पहले ही 3 केंद्र शुरू किए गए थे। अकोट रोड स्थित JSQ जिनिंग फैक्ट्री में चौथा कपास केंद्र शुरू किया गया था। शहर में 4 जगहों पर केंद्र शुरू करने के बाद भी कपास की ग्रेंडिंग करने वाला ग्रेंडर एक ही होने के कारण यह अव्यवस्था निर्माण हो गई है। यह 2 ग्रेडर हो, इस प्रकार की मांग किसान कर रहे हैं। यह पहले ही दिन 3,800 क्विंटल कपास खरीदी की गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला के नए SP के नामों पर चर्चा शुरू। अश्ववर्गीय प्राणियों पर ग्लाइडर रोग का प्रादुर्भाव। महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्ज मुक्ति की सूची घोषित। इकतीस मार्च तक नागपुर भुसावल पैसेंजर निरस्त। जिला महिला अस्पताल में पीने का पानी उपलब्ध नहीं। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। तुम्हाला जर हा वीडियो आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।
सबस्क्राइब करा आमचं RRC नेटवर्क चॅनल आणि बाजूला दिसत असणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तुम्हाला मिळतील दररोज घडणाऱ्या घटनांचे नोटिफिकेशन तात्काळ. तेव्हा जरूर भेट द्या आमच्या वेबसाईटला आणि पाहत रहा RRC नेटवर्क. सेवा आमची, करमणूक तुमची.